तो हेलो यार, गजब भाई, कमाल हिला देने वाली खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है और कुछ मेरे जैसे लौंडे होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई भी वास्ता नहीं होता, लेकिन उनको फिर भी अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वो क्या करते हैं, चिट्स बनाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि चिट्स हो जाते हैं बहुत बड़े, वो हमारे हाथ में नहीं आते और टीचर हमको पकड़ कर हमको बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो उसी का हम एक सिंपल सोल्यूशन लेकर आओ कि आप किस तरीके से एक मास्टर चिट क्रिएट कर सकते हैं जो इतनी छोटी होगी और वो आपके हाथ में प्रॉपर फिट आ जाएगी, टीचर्स पता ही नहीं लगा। लिटरली भाई, मैंने खुद ये चीज़ 2-3 बार ट्राई की है और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने देखिए ये मेरा फोल्डर है वर्क वाला, इसमें मैंने ना किसी से वर्क मंगवा लिया था। ये मेरा जो है फिज़िक्स का काम है, मुझे किसी ने करा, तो मैंने इस सारे के सारे डाटे को जो ये आप देख रही हैं, सारे के सारे डाटे को मैंने सिंपली क्या किया कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर दिया। हे यू किसी, मैंने इस सारे के सारे डाटे को टाइप कर दिया है, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड नॉर्मली भगवान की दया से काफ़ी अच्छी है। मैंने इस सारे के सारे काम को 1 घंटे में ही टाइप कर दिया था। तो मैंने क्या करता हूँ कि इसकी सोचो, मुझे चिट्स बनानी, पब्लिशर में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको ड्रा बॉक्स में क्लिक करके 1 मिनट। हाँ तो गाइस, आपको एक इस तरह से एक प्लेन पेपर क्रिएट कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका A4 साइज़ का पेपर जूम कर देना। आपको आपको जितने भी साइज़ का पेपर चाहिए, जैसे कि मैं इतनी जगह में चिट्स चाहता हूँ इतने साइज़ में, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक बॉक्स बना, इस आंसर को कॉपी करना है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, पब्लिशर में जाकर सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये देखिए रेड, इसका मतलब है कि ये फाउंट पूरा नहीं आया। आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरे के पूरे फाउंट को कॉपी कर लेना है और इसके साइज़ को कम करके 5 कर लेना है। अब ये देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर मेरे ख्याल से शो नहीं होगा, लेकिन ये एक पेपर में काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है। यानी कि ये आपके हाथ की हथेली में आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, अगर ये चिट्स जो चीटिंग रिलेटेड या जो मैंने फैक्ट लेकर आया हूँ, अगर ये आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं एम करता हूँ इस वीडियो में 40 लाइक का। आई होप गाइस यू कंप्लीट अवर एम। थैंक यू एंड बी प्रिपेयर फॉर अवर एग्ज़ाम। और मैं भी स्टडी कर लेता हूँ।